गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंटिंग के समय जो एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए होते हैं उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या जरूरत है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हर एक सवाल में बनाने की जरूरत तो नहीं होती, पर जिस सवाल में कैपिटल फंड ना दिया रहे वहां पर हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत होती है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन से चाहिए और वो कहां मिलेंगे ये समझना है। इसको ध्यान से कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहने का मतलब वो प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट क्या रहा होगा ये हम समझ रहे हैं और उसे ही बना रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक बैलेंस को एसेट साइड में डालते हैं, और यदि कोई ओपनिंग स्टॉक है कंज्यूमेबल गुड्स का, वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो, वो स्टेशनरी का हो, ऐसा कुछ भी, तो उसे डालते हैं। फिर ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस, सारे ओपनिंग याद रखना है कि सारे ओपनिंग, एंड वाला नहीं बिगनिंग वाला, तो सारे ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम ओपनिंग का, उसके अलावे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, ऐसा कुछ भी फिक्स्ड एसेट्स है तो ये सारे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाएंगे। वहां पे दिया रहेगा कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस था, ये आउटस्टैंडिंग इनकम था, और ये हमारे फर्नीचर थे, बिल्डिंग थे, इन्वेस्टमेंट थे, जो भी है, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर याद रखना है, एंड वाला नहीं, करंट ईयर वाला नहीं, एंड और करंट एक ही बात है, बिगिनिंग और प्रीवियस एक ही बात है। तो बिगिनिंग वाला सारा इस तरफ डालेंगे, और लायबिलिटी जो बिगिनिंग वाला है, इनकम का एडवांस लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है, ये सारे बिगनिंग के तौर से इस तरफ लायबिलिटी साइड देंगे। अब क्या करेंगे, एसेट साइड के टोटल से लायबिलिटी साइड के टोटल को डिडक्ट करेंगे तो हमें कैपिटल फंड मिल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा यही हमारा कैपिटल फंड होगा। ठीक है, हम समझ गए कैपिटल ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते क्यों है, तो कैपिटल फंड पता करने के लिए। अगर सवाल में दिया है कैपिटल फंड तो फिर इसे बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अभी हम आते हैं अब एडजस्टमेंट में, कि एडजस्टमेंट करने का क्या तरीका है, वो सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिए रहेंगे और उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फिर बैलेंस शीट में आके उसे कैसे क्या करना है। तो इसे हम एक एक करके समझते हैं। जैसे खर्च है, खर्च का आउटस्टैंडिंग बाकी, खर्च का बाकी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ, और वो दिया हुआ है कि बिगनिंग में इतना बाकी था, एंड में इतना बाकी है किसी खर्चकार, तो क्या करेंगे उसे उस खर्च से, कहने का मतलब यदि अंदर में खर्च में रेंट है, दिया हुआ रेंट पेड इतना, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ बिगनिंग ऑफ द ईयर रेंट आउटस्टैंडिंग इतना था, एंड ऑफ द ईयर रेंट आउटस्टैंडिंग इतना था, तो क्या करेंगे रेंट के साथ बिगनिंग ऑफ द ईयर जो आउटस्टैंडिंग था उसे ऐड कर लेंगे, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, क्योंकि रेंट को तो रेंट पेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाते हैं। तो रेंट के साथ जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग वाला है उसे डिडक्ट कर देंगे, और जो आउटस्टैंडिंग एंड वाला है उसे ऐड करके उसे आउटर कॉलम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के दिखा दिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हम मान लेते हैं कि रेंट का 4000 रुपया रेंट पेड जो कि पेमेंट में लिखा हुआ है, और आउटस्टैंडिंग नीचे में बिगनिंग ऑफ द ईयर 200 और एंड ऑफ द ईयर 300 लिखा हुआ, तो क्या करना है, रेंट पेड पेमेंट के साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेंट पेड 4000 रुपए दिखाएंगे, और बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना कहा था हमने, 200 रुपया, वो डिडक्ट कर देंगे तो 3800 हो गए, 3800, और फिर 300 एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग है उसे ऐड कर देंगे, तो कितना हुआ, 4000 में 200 रुपए घटे 3800, 3800 में 300 रुपए जुटे तो 4100, 4100 रुपीज वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाया जाएगा। एडजस्टमेंट समझ में आ रहा है। और इसके बाद इस ये सभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ ये ट्रीटमेंट है, रिलेटेड एक्सपेंस के साथ, कहने का मतलब रेंट का है तो रेंट के साथ, सैलरी का है तो सैलरी के साथ ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि रेंट वाला सैलरी के साथ, सैलरी वाला रेंट के साथ, ऐसे नहीं,
जिसका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है उसके साथ जाकर ये ट्रीटमेंट करना है। बिगनिंग वाला डिडक्ट कर देना आउटस्टैंडिंग का और एंड वाला ऐड कर देना है, कहां पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में। और फिर इससे बैलेंस शीट में इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ले जाकर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। क्लियर है? रेंट हमने आपको एग्जांपल दिया, वो सैलरी भी हो सकता है, वो जनरल एक्सपेंसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रह गया अगला प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट उल्टा, बिगनिंग वाला ऐड कर देंगे, एंड वाला डिडक्ट कर देंगे रिलेटेड एक्सपेंस के साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। और बैलेंस शीट में फिर उस प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट साइड में दिखाया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अब इनकम की बारी आती है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, चूंकि इनकम क्रेडिट में रहता है, रिसिप्ट सारे क्रेडिट में होते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में आउटस्टैंडिंग इनकम बिगनिंग वाला रिलेटेड इनकम से लेस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, और एंड वाला एड कर देंगे। और फिर बैलेंस शीट में उस आउटस्टैंडिंग इनकम को एसेट्स में दिखाएंगे। क्लियर है? उसके बाद फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का क्या करेंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में बिगनिंग वाला एड करेंगे रिलेटेड इनकम के साथ, एंड वाला लेस करेंगे और इससे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। इनकम रिसीव इन एडवांस को बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे। इसके लिए हमने एक टेबल भी बनाया जो आपको दिया यहां बोर्ड पे है, इसे हम फिर एक बार समझा देंगे और ये आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा हमें लगता है। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चार का एडजस्टमेंट कैसे होता है ये हमने आपको बता दिया। इसका डेप्रिसिएशन की बात ही आती है, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है। तो ये डेप्रिसिएशन यदि एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो दो तरीके से दिया रह सकता है, या तो अमाउंट में दिया हुआ है कि 2000 डेप्रिसिएट 2000 लैंड एंड बिल्डिंग कि लैंड एंड बिल्डिंग को 2000 ह्रासित कीजिए, तो तब क्या करना है, वो 2000 सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखा देना है और फिर बैलेंस शीट में उस 2000 को लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यू से घटा देना है। बात समझ में आ रही है? अगर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू मान लीजिए सपोज 40,000 है, डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 2000, तो 2000 घटाना है, तो क्या करना है, 2000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दिखा दिए और फिर बैलेंस शीट में जाकर 40,000 के लैंड एंड बिल्डिंग में 2000 घटाकर फिर वो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में जो एसेट्स दिखेगा 40,000 नहीं दिख करके वो 38,000 दिखेगा। तो ये अमाउंट में हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है कि डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%, डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 10%, तो फिर हमें परसेंट निकालना है। अभी 40,000 का 5% 2000 या 40,000 का 5 या 10% 4,000, तो वो 4,000 या 2,000 जो निकला उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखा देंगे और फिर बैलेंस शीट में जाकर वो अमाउंट उस एसेट्स के वैल्यू से घटा देंगे। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का काम पता है कि इनकम एंड समझ गए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, फिर बैलेंस शीट में जाकर इसका क्या करते हैं। अब इसके बाद बारी आती है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि सवाल में दिया रहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में, पेमेंट साइड में दिया रहा कि इन्वेस्टमेंट इतने का हमने खरीदा करंट ईयर में, और उसका दो तरीके से लिखा रह सकता है, या तो 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसा लिखा हुआ है 10,000 रुपी, ठीक है, उसमें डेट दिया रहता है कि इतने तारीख को हमने खरीदा। अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर कुछ भी नहीं लिखा है तो बिगनिंग ऑफ द ईयर खरीदा, सपोज 10,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है और उसका 4%, 10,000 का 4% कितने, 400 रुपए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 4% कुछ बोले नहीं बोले एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो 4% निकालकर 400 रुपया मेरा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में हमें दिखाना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहीं 200 रुपया रिसिप्ट में लिखा हुआ भी है, कि कहने का मतलब तब क्या हुआ, 10,000 का 4% तो हमने 400 निकाला पर वहां 200 रुपया लिखा हुआ है,
मतलब 200 रुपए प्राप्त हो गए तो 200 रुपए आउटस्टैंडिंग, तो इनकम में क्या करेंगे 400 ही दिखाएंगे, पर दिखाने का तरीका क्या होगा, इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 200, आउटस्टैंडिंग 200, मिलाकर के 400 इनकम होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बात। और या फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, नीचे में दिया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ इतना परसेंट इज रिसीवेबल, तो फिर उस परसेंट के हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का काम, याद रखिए। इसे कहां दिखाते हैं फिर, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो आउटस्टैंडिंग रहा, आउटस्टैंडिंग वाले को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया हमने, फिर वो चुके आउटस्टैंडिंग इनकम है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हाँ, एक आता है फंड बेस्ड एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, जैसे ऐसे तो आपको पता है कि जो भी एक्सपेंस है उसे रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में दिखाया जाएगा, पर कुछ एक्सपेंस अगर उसके फंड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने की जरूरत नहीं है। सपोज मान लिया हमारा एक मैच फंड है और मैच एक्सपेंसेस है, वैसे स्थिति में मैच एक्सपेंसेस को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, कहने का मतलब एक्सपेंडिचर में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फिर कहां दिखाएंगे, क्या करना है कि मैच फंड फंड है, आपको हमने बताया बैलेंस शीट वाले वीडियो में कि फंड और रिजर्व उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं, तो क्या करेंगे उस मैच फंड में से वही बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में वो मैच एक्सपेंसेस घटा दिया जाएगा। टूर्नामेंट फंड हो सकता है, ऐसा कोई भी फंड, कहने का मतलब है कि एक्सपेंस है और उससे रिलेटेड फंड, उसका फंड एग्जिस्ट कर रहा है, उसका फंड है, तो वैसे एक्सपेंस को वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हुए भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाया जाता है। ये क्लियर हो गया। उसी तरह फिर जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना पड़ता है, उसका भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, तो आउटस्टैंडिंग है तो पता है, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में और फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाएंगे। याद रहे कि बहुत सारे सवाल में बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर लिखा रहता है, किसी में प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बिगिनिंग और प्रीवियस एक ही बात है और करंट ईयर या एंड ऑफ द ईयर एक ही बात है। अब होता क्या है कि बहुत सारे सवाल में जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर या फिर डेट से हम पहचानते हैं कि ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है ये एंड ऑफ द ईयर है, 1 अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर, ऐसे करके पहचानते, या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऐसा लिखा रहता है। पर जिस खर्च में बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड ऑफ द ईयर नहीं लिखा हुआ है वो खर्च एंड ऑफ द ईयर, कहने का मतलब करेंट ईयर का ही माना जाता है, या एडवांस वो करेंट ईयर का ही माना जाता है। हमें लग रहा है कि हमने सारा एडजस्टमेंट कैसे कैसे क्या होना है ये लगभग बताने की कोशिश की। हाँ, अभी हमने एक टेबल की बात की थी, वो टेबल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, इसे आप देख लें और इसे नोट डाउन कर लेंगे बाद में अपने पास। देखिए अलग अलग चार तरह से खर्च आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम एडवांस। ठीक है, अब इसका हमने ट्रीटमेंट बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा और फिर बैलेंस शीट में उसका क्या किया जाएगा। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो बिगनिंग वाला डिडक्ट करेंगे, एंड वाला एड करेंगे रिलेटेड एक्सपेंस के साथ, कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और फिर उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखाया जाएगा, एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में और बिगनिंग वाला यदि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो, अदरवाइज ओपनिंग वाले को दिखाने का कहीं तो फिर बात ही नहीं बनती है। फिर है प्रीपेड एक्सपेंस है तो बिगनिंग वाला एड करेंगे, उल्टा हो रहा है, एंड वाला लेस करेंगे, किससे, रिलेटेड एक्सपेंस से। रिलेटेड एक्सपेंस कहने का मतलब संबंधित खर्च कहने का मतलब, अगर सैलरी है तो सैलरी के साथ, रेंट है तो रेंट के साथ, ऑफिस एक्सपेंस है तो ऑफिस एक्सपेंस, मतलब जो है उसके साथ ही। तो बिगनिंग वाला ऐड करेंगे, एंड वाला लेस करेंगे, कहां, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में,
और फिर उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएंगे, क्लोजिंग वाला, एंड वाला, क्लोजिंग बैलेंस शीट, मेन बैलेंस शीट जो बनना है, और अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग वाला प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदरवाइज ओपनिंग वाले का कोई जरूरत है नहीं। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, इसमें क्या करना है, बिगिनिंग वाला लेस करना है, एंड वाला एड करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, और फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देना है। फिर इनकम एडवांस बिगनिंग वाला ऐड करेंगे, एंड वाला लेस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में, और फिर बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी में दिखाया जाएगा। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि इससे आपको पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, कहने का मतलब आल आबकारी संस्थान के अकाउंटिंग करने में काफी मदद मिलेगा। अगर इसके बाद भी कोई तरह का डाउट आपके मन में है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, और हम कोशिश करेंगे उसके लिए नए वीडियो को डालने का कि उससे आपकी क्वेरीज, आपके डाउट, आपके वो सारे क्लियर हो। तो इसके लिए कमेंट करना जरूर करेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।